विद्या एक किरण उम्मीद की। फंड के पैसे गायब हो गए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हमें जो तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी वो खत्म हो गई। ये तो वैच मिसाल हो गई कि हाथ को आया और मुंह नहीं लगा। मंजे फंड आ रहा है, फंड आ रहा है, फंड आ गया और फंड चला गया। मतलब हमारा हाथ खाली, फंड आया किसके लिए? आदरणीय विद्या शर्मा के लिए। उस दिन तो बड़ा रोब झाड़ रही थी कि 6 महीने की सैलरी मिलेगी करके, 10 लाख निकल गई। अब तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। देखिए आप लोग फिर विद्या मैम को गलत समझ रहे हैं। अरे भाई वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों आप लोग जो है हमेशा उससे नफरत करते हैं। हाँ का मानुसे मंजे, मतलब आप क्या है सर? सर आपको क्या विद्या शर्मा ने कुछ घुट्टी बुट्टी पिलाई है क्या? घुट्टी मतलब? मंजे आप जो हर वक्त विद्या शर्मा की साइड लेते रहते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, उसका गुणगान गाते रहते हैं, मुझे तो लगता है कि अगर वो किसी का गला भी काट देगी ना तो आप यकीन नहीं करेंगे। रजा सर अपने आंखों से जरा पट्टी हटाइए, ये 10 लाख के गबन का सवाल है। उसने हम सबकी उम्मीद का पानी फेर दिया है। रेणुका मैडम की मम्मी की दवाई के पैसे छीन लिए उसने, मेरे बच्चे की अगले महीने की फीस छीन ली उसने, आपके और दुबे जी के परिवार के मुंह से निवाला छीन लिया उसने, और आपको दिखाई नहीं देता। देखिए मैं अगर अपने बारे में कुछ कहूंगा तो शायद वो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन उस परवरदिगार ने मुझे 2 खास चीजों से नवाजा है। एक तो ये कि मैं हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, और दूसरा ये एक सच्चे और ईमानदार शख्स को मैं बखूबी पहचान सकता हूँ पहली नजर में। मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि विद्या मैम ने कोई चोरी नहीं की। अरे चोरी किसने भी की हो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी तनख्वाह का क्या होगा, कब मिलेगी हमें वो। अरे ऐसे कैसे वो कर सकती है? मैं तो घर पे माँ से बोलकर आई थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सैलरी मिलेगी और विद्या मैम हमें सैलरी देगी, मैं तो उनसे ही सैलरी लेकर रहूंगी। बरोबर बरोबर बोला आपने, तनख्वाह वही देगी और मैं आपके साथ हूं, पर इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के हमको तनख्वाह नहीं मिलने वाली, हमें उस विद्या शर्मा के सिर पर जाके बैठना पड़ेगा। और एक बार और रजा सर, हम सबको एकजुट होकर बात करनी पड़ेगी, एकजुट होकर। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ पूरी तरह से हूं, लेकिन जरा रजा जी से पूछिए ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बोलिए सर। देखिए अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में बात करने जा रहे हैं वहां तक तो ठीक है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं मैडम पर चोरी का कोई इल्जाम लगाऊं, ये मुमकिन नहीं होगा। काय बोलतोस तुम्ही? मुझे ठीक है, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम 3 ही मिलकर ये काम कर लेंगे। आप यहीं बैठिए, हिंदी की कविताएं पढ़िए और हो सके तो 2-4 कविताएं अविद्या शर्मा के सम्मान में भी लिख दीजिए। सला 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 लौकर। हेलो दीपक। हाय मैं विद्या शर्मा बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली मुंबई में हूँ और ये मेरा मुंबई का नंबर है। दीपक सॉरी बहुत दिनों बाद फ़ोन कर रही हूँ, पर ऐसा है कि मैं मुंबई पुलिस में किसी और को तो जानती नहीं, सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ, तो तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। देखो मैं यहाँ मुंबई में एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये केस मेरे एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि मैं ऑफिशियली केस दर्ज नहीं कराना चाहती क्योंकि इस बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो मैं क्या तुमसे मिल सकती हूँ? ठीक है, थैंक यू दीपक, थैंक यू।
24 घंटे का वक्त दिया था मैंने तुम्हें। फंड्स के डिटेल्स तैयार हो गए, मुझे बाकी ट्रस्ट के मेंबर्स को पाई पाई का हिसाब देना है। डिटेल्स प्लीज। ये पैसे मुझे सिंघानिया सर ने दिए थे, तो डिटेल्स भी मैं उन्हीं को दूं। तुम्हें जो पूछना है, जो जानना है, जाओ और जाके सिंघानिया सर से पूछो। डिटेल्स देना नहीं चाहती हो या डिटेल्स है ही नहीं? वैसे उड़ते उड़ते मेरे पास एक खबर आई है कि स्कूल के लॉकर से 10 लाख रुपए गायब हो गए। तुमने गायब किए हैं या लॉकर निकल गया? बकवास बंद करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि वो पैसे लॉकर में नहीं है? हाँ, और ये ले, अगर पैसे हो तो दिखा दो, मेरा मुंह बंद कर दो। लिसन, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि पैसे गए कहां। और कुछ ही मिनटों में सारे टीचर्स यहां सामने होंगे, उन्हें क्या जवाब दोगी? डोंट वरी, एक बार फिर से मुझे तुम्हें हारते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एक और ऑफर देता हूं। 10 लाख जो गुम गए हैं उसके साथ 15 लाख रुपए और देता हूं। अपनी इज्जत बचाओ और स्कूल को छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 2 मिनट। गेट आउट। ये जिद, आई लाइक इट। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें बेस्ट जिद्दी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए। यू डिजर्व इट। बेस्ट ऑफ लक। क्या हो रहा है ये सब मेरी जिंदगी? कहाँ है विष्णु? चले चल पत्ते बाट। हाँ ये लेना, चल 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 चल। अरे चल तू चल, कितने गए? चल। ये रुक, फोन आया। हाँ देख देख। हाँ सर जी। अरे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, लड़का यही है और वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं है। गुड, उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे को हाथ तो बिल्कुल मत लगाना। उसे खाने पीने का इंतजाम करो और आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। मेरे कॉल का वेट करो। हाँ सर। वो लड़का ठीक है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि विद्या मुझ पर जरूर शक करेगी। अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बाजी हमारे हाथ में है। विष्णु चोर है ऐसा विद्या कभी नहीं मानेगी, और उसे ढूंढने भी जरूर जाएगी, लेकिन हम उस पर 10 लाख का ऐसा दबाव डालेंगे कि वो किसी और चीज को सोचने के लायक ही नहीं रहेगी। उसके पैरों के नीचे से इस पर जमीन खींच लूंगा मैं, मिट्टी में मिला दूंगा विद्या शर्मा की जिद और अकड़ को। अरे मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और वो भी अभी। तो क्या है मैडम, मैंने तो तनख्वाह मिलने की खुशी में मिठाई ऑर्डर कर दी थी आपके पास से, और वो 200 ग्राम का पैकेट आ भी गया है। और वो क्या बोलते ना, गिव एंड टेक, एक हाथ दे एक हाथ दे। मेरा मिठाई का डब्बा रेडी है, पर आपका तनख्वाह अभी तक नहीं आया। कभी देंगे आप?
देखिए मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो हम बाद में मेरे ऑफिस में मिलते हैं, मैं आपसे तभी बात करूँगी। नहीं 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 मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, देखिए मंदिर में भगवान और नौकरी में तनख्वाह, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। आप हमें बस टाइम बता दीजिए कि आप कब देंगी, उसके बाद जहाँ जाना है जाइए, जहाँ से आना है आइए, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, बस बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। देखिए दुबे जी, एक प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाती है, मैं सामने से आके आप सबको आपकी सैलरी दूंगी, वादा करती हूँ। मैडम मीका बोलते हैं कि इस स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे इस स्कूल का नाम प्रॉब्लम स्कूल होना चाहिए। और क्या आपकी प्रॉब्लम से हमें क्या लेना देना मैडम? क्या बोलते हैं, स्कूल के फंड में पैसा आया है, पैसा था, पैसा नहीं, ऐसा तो नहीं 10 लाख रुपए देख के आपका नियत कुछ डामाडोल, पूरा पैसा अकेला हड़प करने का इरादा है और फिर बाद में वो चोरी होने का ड्रामा, क्या बोलते हैं मैडम? मैं चोर नहीं हूं बोसते जी, मैं नहीं जानती कि आपसे ये सारी बातें कौन कर रहा है, पर सच तो ये है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को सही समय पर आपकी सैलरी जरूर दे दी जाएगी। आप बैठे बैठे सिलेबस तैयार कर रही है या हमें अपना काम सिखा रही है, और जब सैलरी की बात आती है तो बस वही घिसा पिटा आप टेप रिकॉर्ड चालू कर देती। स्कूल में जब मैंने अपना कदम रखा तो एक पल के लिए लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, लेकिन अब तो हालत इससे भी बदतर है। ना मैं अपनी माँ का इलाज कर पा रही और ना मेरी अस्थमा का। स्कूल ने सैलरी के तौर पे सिर्फ एक के बाद एक दिक्कतें दी। आपको पता है मैं यहाँ वहां जाके ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चला रही। स्कूल में आने के बाद मेरी शिक्षा देने की मानो मेरी इच्छा ही मर गई है। तुम ऐसी बातें मत करो, मेरा यकीन मानो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी, मैं वादा करती हूँ। मैडम बहुत भारी एक्टर हैं आप, मानना पड़ेगा, पर अभी बहुत हो गया। मी खरस ये बोलतो है कि अभी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और पुलिस आएगा तो अंदर का सारा ड्रामा, सारा इमोशन, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रेणुका जी आप इन्हें समझाइए ना, आप प्लीज मुझे समझिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग पुलिस के पास जाएंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं समझेगा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया भोसले जी। अरे जाने मेरी बेटी इन मुश्किलों का सामना कैसे कर रही होगी। आइए आइए सिंह जी, क्या हुआ शर्मा जी, आप परेशान क्यों हैं? कहीं आप विद्या को लेकर परेशान तो नहीं है? नहीं तो हम आइए बैठिए। शर्मा जी कहते हैं ना कि सोने को कितना भी क्यों ना तपा लो, लेकिन पिघलने के बाद सोना तो सोना रहता है। हमारी विद्या भी ऐसी ही है। जिंदगी और वक्त विद्या के सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना पैदा कर, वो हालात से लड़कर भिड़कर जीत उसी की होगी। शर्मा जी सच कहूं, मैंने तो स्कूल और विद्या के बारे में परेशान होना बंद कर दिया है। आप भी परेशान मत हुई, सब ठीक हो जाएगा। मैंने
हमेशा उस पर भरोसा किया है, लेकिन बाप हूं उसका, जब से ये 10 लाख रुपए गुम हुए, मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां से। शर्मा जी, आप ही कहते हैं ना कि हर समस्या अपने समाधान का रास्ता अपने साथ लेकर आती है। विद्या को भी इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मेरी बेटी विद्या बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसे किसी इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। अरे शर्मा जी, खुशनसीब तो हम हैं, विद्या हमारी इस विरासत की खुशकिस्मती बन के आई है। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो इस स्कूल को वापस खड़ा करके रहेगी, इसका मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इन सब के पीछे जरूर रोहित आर्यन है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसे उसी ने गायब किए, लेकिन वो आदमी कुछ भी कर सकता है। काश कि मैं विद्या की कोई मदद कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि विद्या जरूर अपने आप को निर्दोष साबित करेगी। स्कूल में जब मैंने अपना कदम रखा, एक पल के लिए लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, लेकिन अब तो हालत इससे भी बदतर है। ना मैं अपनी माँ का इलाज कर पा रही और ना मेरी अस्थमा का। आपको पता है मैं यहाँ वहाँ जाके ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चला रही हूँ। स्कूल में आने के बाद मेरी शिक्षा देने की मानो मेरी इच्छा ही मर गई है। मी खरत ये बोलतो है कि अभी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और पुलिस आएगा तो अंदर का सारा ड्रामा, सारा इमोशन, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। क्या करूं मैं, एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और कितना लड़ूंगी, कब तक लड़ूंगी, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे। सिंघानिया सर ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, वो भी तो जानना चाहेंगे ना कि पैसे कहाँ हैं। क्या जवाब दूंगी मैं उनको। और सबके बीच में विष्णु भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, सच भी तो वही जानता है, कहाँ ढूंढूं उसको, कहाँ है वो। चल मेरी चाल है। विष्णु, मेरा एक काम कर दोगे? वो ना लाइब्रेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भूल गई हूँ, उसे ले आओ प्लीज। मैं ये चाबी विद्या मैडम को देके आता हूँ और आपकी किताब लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मेरी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो ले आओ। हाँ लेकिन। जाओ। ठीक है। ले लीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी, चलो कर लो अपना काम। अरे बुक तो मैं वही भूल गया। यस, मेरे 10 लाख रुपए चुरा लिए। फैंटास्टिक, गुड जॉब। कैसे खुला तुमने वो सेफ? यहाँ विष्णु नाम का एक स्टूडेंट है, चमचा है विद्या का। उसके हाथ में लॉकर की चाबी थी, शायद कुछ फाइल्स रखने आया था लॉकर में। मैंने बहाने से उसे लाइब्रेरी भेज दिया और सेफ से सारे पैसे चुरा लिए। अब सब विद्या पे शक करेंगे और विद्या से पैसे मांगेंगे। तुम बस अपने सवालों के साथ तैयार रहो, यही तो मौका है जब हम विद्या को खत्म कर सकते हैं। सोनिया मैडम विद्या मैडम को फंसाना चाहती है, 10 लाख रुपए चुराने के फिराक में है। विद्या मैम के खिलाफ इतनी गहरी साजिश क्यों, और वो भी सोनिया मैडम? वो तो विद्या मैडम की दोस्त है, अगर पैसे चले गए तो विद्या मैडम को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा,
पर सोनिया जी तो सिंघानिया जी की भतीजी है, अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो मुझे तो स्कूल से निकाल ही देंगे, लेकिन सोनिया मैडम किसी के कहने पर यह सब कर रही है। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मैं मेरी किताब भूल गया था, वो ही लेने आया था। हेलो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़का है ना विष्णु, उसने शायद मेरी सारी बातें सुन ली और वो यहाँ से सीधा विद्या के पास जाएगा। बट प्लीज कुछ करो, मैं पकड़ी जाऊंगी, प्लीज कुछ करो। सोनिया डोंट वरी एंड डोंट पैनिक, मैं कुछ करता हूँ। तुम वहां से फटाफट पैसे लेके निकलो राइट नाउ। मेरी वजह से विद्या मैडम पर चोरी का इल्जाम लग रहा होगा, उन्होंने चाबी मुझे दी थी और अब पैसे भी गायब है और मैं भी। उन्हें लग रहा होगा कि विष्णु ही पैसे चुरा कर भागा होगा, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? विद्या मैडम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, वो तो सबके खिलाफ मेरे लिए खड़ी रही होगी। हे भगवान, मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मैं विद्या मैडम को अकेले छोड़ नहीं सकता, मेरा उनके साथ होना बहुत जरूरी है। भगवान प्लीज प्लीज मेरी मदद करो।